अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अच्छा भाई, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो जल्दी जाएं और चैनल सब्सक्राइब करें भाई। बहुत अच्छी वाली वीडियो कब डाल ली है फिर। हाँ भाई, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे अच्छे से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे ना, व्यूज आएंगे तो वीडियो अपलोड होना शुरू होंगी। अभी नहीं होंगी क्योंकि मैं ऐसा आने वाला है ना आगे। मैं अभी जो है वानी भाई, कितने घंटों से जागा हूँ? 2 दिन से। मैं कोई 2 दिन से सोया नहीं हूँ, वीडियो एडिटिंग पे ही मैं लगा हुआ था। और मेरी हालत देख के आप लोगों को लग रहा होगा वो आज का इंटरव्यू भी दानिश भाई लेंगे। तो हम कहाँ आए हुए हैं और क्या सीन है वो दानिश भाई आपको दिखाएंगे आगे चल के। हम बेसिकली आए हुए हैं एक स्मॉल बिजनेस की तरफ, जो बेसिकली हमारा जो शुरू से ही जो है वो मोटिव रहा है कि हमने स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना है। तो आज हमारे एक भाई हैं समद भाई, वो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, और जो है उन्होंने अपना एक चाय का कार्ड ओपन किया है। तो हमने कहा चलो उनके पास चलते हैं। जितने भी इंजीनियर फारिग है ना, वो ये वीडियो जरूर देखें, वीडियो जरूर देखें, उनके मोटिवेशन है सब। बिल्कुल है, सब जितने भी यंग जनरेशन है सबके लिए मोटिवेशन है। 25-25 हजार रुपए, 40-40 हजार रुपए कमा रहे हैं वो, छोड़े हैं और ये बिजनेस देखें। बिजनेस भाई, बिजनेस बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह ने वैसे भी बरकत है। तो यही बोलते रहोगे या वहाँ जाके कुछ करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आगे दिखाएंगे। चाय भी पीनी है यार, 12 बज रहे हैं, चाय पिला सुना भी है मैंने, ब्लैक कॉफी पिला दो। ब्लैक कॉफी भी पिला। अच्छा भाई, हम समद भाई के साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और वैसे तो आपने चाय वाले बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं इंजीनियर चाय वाला, जो कि बाय प्रोफेशन तो इंजीनियर हैं, लेकिन इनकी डिग्री इंजीनियरिंग की है, लेकिन अब जो है वो बेसिकली इनका बिजनेस है माशाल्लाह से चाय वाला, और बहुत अच्छी क्वालिटी, अमेजिंग सेटअप इन्होंने जो अपने तरीके से लगाया है, बिल्कुल लो बजट के अंदर, और ये लोगों के लिए मोटिवेशन है। तो हम कुछ इनसे मोटिवेशन की पूछते हैं कि इनकी मोटिवेशन कहाँ से आई, इन्होंने कैसे सेटअप स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा समझ, मुझे ये बताएं कि मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद क्यों ये ख्याल आया कि हम जो है वो लोगों के लिए एक न्यू चीज़ लेकर आओ, चाय को जो है स्टॉल लगाओ, क्यों? सर, मैं एक एसोसिएट इंजीनियर हूँ जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन मुझे बचपन में ही ना मैंने डिसाइड किया था कि अपना एक बिजनेस करना है कोई ना कोई। तो मैंने क्या डिसाइड करा कि कपड़ों का ब्रांड बनाऊँ अपना। जब उस पर रिसर्च करी तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही थी ना, तो वो फाइनेंशियली मेरे लिए पॉसिबल ही था। मैंने फिर डिसाइड किया ऐसे साइड बिजनेस करूँ जो कम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाए और एक अच्छा मुझे अर्निंग दे, जिसको मैं सेव करके अपना एक गोल की तरफ जाऊँ। तो फिर मैंने देखा ऐसा कौन सा बिजनेस है, तो चाय एक ऐसी चीज़ है जो पानी के बाद सबसे ज़्यादा पी जाती है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है। तो मैंने कहा इसकी तरफ आना चाहिए और फिर मेरे लिए मैनेज करना, और मुझे जो घर में काफ़ी दफ़ा चाय मैंने बनाई है, मैं खुद एक चाय लवर हूँ, तो मुझे चाय बनाना आती रहती है। मैंने कहा इस तरफ आना चाहिए, और फिर सबसे बड़ी मेन चीज़ थी कि कम इन्वेस्टमेंट काम शुरू करना है, ज़्यादा पैसा ना लगाऊं, क्योंकि लोग ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं बड़े शॉप ले लेते हैं, बड़े बड़े होटल्स खोल लेते हैं, और बहुत ज़्यादा सुना है कि नहीं चल पाता। तो मेरा स्टार्टिंग ये था कि कम पैसों में स्टार्ट करूँ। क्या एक मिनिमम बजट क्या था आपके माइंड सेट में? मेरे पास टोटल 15,000 रुपये थे, मेरे पास खुद के अपने सेव किए हुए, तो मैंने कहा कि यार 15,000 में करना है स्टार्ट, जैसे भी करना है। तो मेरे पास एक कैबिनेट था किचन का, उसको मैंने लेकर उसमें कहा जितनी भी इनोवेशन हो सकती है ना कर दूँ, बस एक कार्ड तैयार हो जाए, क्योंकि मैं जब कार्ड की रेट लेने गया तो मुझे एवरेज 25-30 हज़ार का मिल रहा था। तो मैंने कहा नहीं यार 25-30 हज़ार तो बजट से बहुत आउट है। तो मैंने 1800 के अंदर अपना ये कार्ड डिज़ाइन करा है, उसको आप देखें तो मैंने सारे PVC पाइप जो होते हैं इलेक्ट्रिक पाइप वो लेकर एक फ्रेम डिज़ाइन किया जो पोर्टेबल है। फिर मैं कॉफ़ी के लिए एक्सप्रेसो मशीन मैंने बनाई है, जो एवरेज मैंने ओलेक्स पर सर्च करी तो 50,000 के अंदर आ रही थी, मैंने 3,000 में वो तैयार कर लिया। तो इस तरह मेरा काम स्टार्ट हो गया। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम के ऊपर आपने जो लोग इंजीनियरिंग करने के बाद अपनी जॉब्स के अंदर या अपने दूसरी चीज़ों के अंदर एज अ फ्रीलांस जो काम करते हैं, आपने मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से आपने इंजीनियरिंग की डिग्री को यूटिलाइज किया है, और अपना काम है अल्लाह ताला ने वैसे भी हमारे कारोबार में बरकत दी है। तो अब मुझे ये बताओ कि आपके पास कौन कौन सी जो है वो टाइप्स हैं चाय की, कौन कौन सी चीज़ें हैं, और कॉफ़ी में क्या नई चीज़ें कराएँ?
मैं एक्सप्रेसो कॉफ़ी बनाता हूँ, मेरे पास क्रीमी कॉफ़ी होती है। उसके अलावा चाय में फ्लेवर्स मैं लेके आया हूँ, न्यू चीज़ चॉकलेट चाय मैं बना रहा हूँ, पान फ्लेवर की चाय मेरे पास, और रोज फ्लेवर की चाय बनाता हूँ। बाकी अदरक डिमांडिंग कौन सी चाय है मेरे पास? सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है चॉकलेट फ्लेवर और दूध पत्ती जो मैं बनाता हूँ, जो मार्केट मेरे पास इसी बच्चे ज़्यादा चॉकलेट चाय पसंद करते हैं। मेरे पास क्या प्राइस हैं चाय के और कॉफ़ी के? मेरे पास दूध पत्ती एवरेज नॉर्मल प्राइस है 50 रुपीज़, और जितनी फ्लेवर चाय है वो 60 रुपये की रखी हुई मैंने। सही है। अच्छा समन, मुझे ये बताओ कि यहाँ की प्रॉपर एक लोकेशन और क्या आपके कार्ट के क्या ओपनिंग टाइमिंग क्लोजिंग टाइमिंग क्या है ये भी बताना। अगर आप अब्बास टाउन से अगर आते हैं, पैराडाइज बेकरी है मेन, सीधा स्ट्रेट आ जाए बिल्कुल अंदर फारिया चौक आता है, फारिया चौक से आप किसी से पूछे कमाल बेकरी की साइड पर, कमाल बेकरी के अपोजिट मेरा स्टॉल लगा हुआ है, और टाइमिंग मेरी है शाम 5 से लेकर रात 12-1 बजे तक मैं एवरेज होता हूँ। गुड टू सी यू समन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी कॉफ़ी, मैं खुद कॉफ़ी ट्राई कर रहा हूँ, कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी, हम सब ने चाय भी ट्राई की है, सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई देखें, शुरू के अंदर तो शायद मैं नहीं था, लेकिन मैंने पहले सोचा कि चाय का मज़ा ले लें, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो चाय का मज़ा तो जो बहुत चाय हम लोगों ने पी है, लेकिन आज जो हमने इंजीनियरिंग वाली चाय पी ना, जो इंजीनियर का एक तड़का उसके अंदर लगा हुआ है, उसका मज़ा बहुत अलग आया है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़, मज़ा नहीं आता ना आगे बढ़ने का। तो एक दफ़ा आप ज़रूर इंजीनियर की चाय पिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।